बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल द निवेश ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र ₹5 में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूल स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन। कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स गोंदिया रोड FCI गोदाम के सामने कोसनी बालाघाट। कॉन्टेक्ट डिटेल 9424969460@77002901। दड़ेकसा के मुंडा गांव पहुंची प्रबुद्ध फाउंडेशन की टीम। 100 से अधिक आदिवासी परिवारों को कंबल और जरूरत की सामग्री का किया वितरण। बैहर विधायक ने चौरिया पंचायत के जैतपुरी गांव में किया सड़क का भूमि पूजन। ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की ली बैठक। और दक्षिण बैहर में आदिवासियों की समस्या और नक्सलवाद पर बालाघाट न्यूज ने की दड़ेकसा के प्रधान चंदन सिंह उइके से खास चर्चा। देखिए बालाघाट न्यूज में यह विशेष साक्षात्कार। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन बोरी लालबर्रा के द्वारा आज गुरुवार को दक्षिण बैहर के अति संवेदनशील क्षेत्र दड़ेगसा के मुंडा गांव में शिविर का आयोजन किया गया, जहां सोधन डोगरी मुंडा के करीब 100 आदिवासियों को कंबल का वितरण किया गया। साथ ही प्रत्येक परिवार को एक खाद्य किट भी प्रदान की गई। इसके अलावा बच्चों को 20 स्कूली बैग का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख तौर पर दड़ेकसा सरपंच चंदन सिंह उइके, सोनगुड्डा के पूर्व सरपंच तातू सिंह धुरवे, जयपाल वरकड़े सहित अन्य मौजूद रहे। वही फाउंडेशन की ओर से सचिव महेंद्र मेश्राम, पत्रकार रफी अंसारी, सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव सिंह मारे, पत्रकार हितेन चौहान, चित्रंजन नेरकर व अन्य मौजूद रहे, जहां सरपंच की ओर से प्राप्त सूची के आधार पर 100 परिवारों को खाद्य सामग्री और कंबल का वितरण किया गया। बैहर विधायक संजय सिंह उइके ने आज दक्षिण बैहर के चौरिया पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम जैतपुरी में सड़क का भूमि पूजन किया। इस दौरान विधायक ने गांव में आदिवासियों की समस्याओं को सुनने के बाद उसका निराकरण भी किया और सरपंच चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें जनपद अध्यक्ष सविता धुर्वे भी शामिल रही। ग्रामीणों ने बताया कि इस वर्ष बारिश में जैतपुरी का तालाब फूट गया, जिससे वहां पर मछली पालन की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस पर विधायक ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही तालाब का मरम्मतीकरण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। हमारे सभा में जो क्या हो गया लिपट गया फिर और एक फूल वो भी लिपट गया। नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम साक्षात्कार में आपका स्वागत है। मैं हूँ यमलेश वंजारी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दक्षिण बैहर के अंतर्गत आने वाले अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित ग्राम मुंडा में, जो कि ग्राम पंचायत दड़ेकसा के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है, जहाँ पर लगभग 40 से 42 आदिवासी परिवार निवास करते हैं। मेरे साथ इस वक्त चर्चा के लिए मौजूद है ग्राम पंचायत दड़ेकसा के सरपंच चंदन सिंह उइके। चंदन सिंह जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। चंदन सिंह जी, पहला सवाल, ये जो पूरा इलाका है दक्षिण बैहर का, इसको धूर नक्सल प्रभावित माना जाता है। इस क्षेत्र में नक्सलियों की बाहुल्यता रही है। वर्तमान में कितना बदला है ये इलाका और कितना इनमें विकास की संभावनाएं है जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है? नहीं, ज़्यादा बदलाव तो नहीं हुआ है सर जी। मतलब यहाँ विकास की संभावना बहुत अति
सख्त जरूरत है कहना चाहिए। किस तरह के विकास की जरूरत? विकास क्या है, अभी हमारा मेन मार्ग सड़क ही नहीं जुड़ा है, यहाँ के बच्चों को मतलब सही समय पे शिक्षा नहीं मिल पा रही है, यहाँ के बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या है, स्कूल है तो टीचर नहीं रहते समय पे, वही कमियां है। कहना चाहिए जब तक के मतलब शिक्षा से मतलब ऊपर नहीं उठेंगे तब तक के यहाँ का विकास का संभावना नहीं। अगर हम देखें पिछले 10 से 15 सालों के बीच में वर्तमान परिदृश्य तक इतना जो लंबा सफर है, इसमें कितना बदलाव दिखाई देता है? नहीं, बदलाव तो वैसा बहुत कुछ हुआ है, मतलब हर टोले टंके में रोड सड़क तो पहुंची है जी, वहाँ तक के तो सही है। बाकी क्या है, हमारा मेन मार्ग जो है जैसा उकवा से सीधा लांजी टच करता है, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके कहना चाहिए समय बेसमय में मतलब अति सख्त बीमार होने से लांजी तुरंत में जा पा सके ऐसा हमारे लिए सुविधा नहीं। क्या सड़क बन जाना, पुल पुलिया बन जाना, इसी को विकास कहते हैं? क्या कुछ मानव विकास भी होना चाहिए, आदिवासियों का जीवन शैली में परिवर्तन आना चाहिए क्या? नहीं, क्या आप केवल सड़क और नालियों के विकास को ही विकास समझते हैं? नहीं, कुछ और भी है विकास? नहीं, वो तो है। क्या है, हमारे पास जैसा सड़क के विकास मतलब सड़क बन जाए कम्प्लीट चारों तरफ से तो हम कहीं आने जाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, रात दिन बराबर चलेंगे। हमारे बाल बच्चे जैसा यहाँ से मतलब लांजी से उकवा सीधा बस निकलती, रोजाना यहाँ से बच्चे लांजी जाते पढ़ने, तो शिक्षा तो मिलता ही। अच्छा, रहन सहन में कितना बदलाव आया? क्योंकि पुरानी हम जो संस्कृति और सभ्यता देखते हैं, ट्राइबल कल्चर को हम देखते हैं, तो उनका खान पान रहन सहन में अभी भी उतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया आधुनिक जमाने की शैली के हिसाब से, तो उसमें कुछ परिवर्तन होने की संभावना नज़र आती है? हाँ, कुछ तो मतलब जैसा अपने यहाँ रोजगार गारंटी जब से शुरू है, जब से मतलब वो अभी गरीब से गरीब है, जैसा तैसा अपना पेट भर भोजन कर लेता है, ज़्यादा तो अपना नहीं कर पाता, बाकी पेट भर भोजन तो कर लेता है। नहीं तो 15 साल पीछे जाओ तो समय का मतलब समय एक टाइम भूखा रहना पड़ता था इनको। जी, आदिवासियों के लिए वनाधिकार कानून एक बड़ा महत्वपूर्ण कानून है, 2006 में इस कानून को लाया गया था और इस कानून के माध्यम से ये बताया गया था सरकार के द्वारा कि वनाधिकार के तहत हम आदिवासियों को पट्टे आवंटित करेंगे, उन पट्टों के ऊपर जमीन खेती करेंगे जब आदिवासी, तो उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। क्या ऐसा संभव हो पाया है, वनाधिकार के पट्टे? संभव तो हुआ है, पर क्या है सर, जैसा जो कृषक था जो मतलब वो वन अधिकार के तहत उसने कब्जा किया था जी, जैसा उस हिसाब से उधर से मतलब वो जमीन नापने के लिए मशीन लेके आए थे इन्हें, है ना, तो मशीन लेके आए थे तो किसी को 10 डिसमिल 20 डिसमिल मिला है, कम से कम वो कम मतलब कब्जा किया था 2-3 एकड़ जी, तो उनको मतलब पर्याप्त मतलब कमाव के लिए सुविधा होना चाहिए, उतना मिलना था, कम से कम 1 एकड़ 2 एकड़ तभी मिलना था। बिल्कुल, तो वो सही रहता, पट्टा मिला है, पट्टा तो मिला है पर वो 10-20 डिसमिल में क्या बनेगा उनका? अभी मुंडा गाँव में 40 से 42 परिवार है, यहाँ पे कितने आदिवासियों के पास में वनाधिकार? यहाँ पे तो नहीं है सर, यहाँ क्या है मतलब वन अधिकार के तहत इनने कब्जा ही नहीं किए हैं। अच्छा, मेन बात तो यहाँ किए भी हैं तो सही समय पे आवेदन नहीं किए होंगे, ज़्यादा भी नहीं है यहाँ से, कहना चाहिए 5-6 लोग होंगे अभी मतलब वन अधिकार के तहत मतलब इनने कब्जा किए हैं, तो इनका मतलब सिलसिला जारी है, अभी आवेदन वगैरह तो हमने जमा कर दिए हैं। एक कानून और है, पेशा कानून जिसको कहते हैं, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज जिसको बोलते हैं जी, मतलब पेशा कानून के तहत में ये कहा जाता है कि आदिवासियों की अपनी ग्राम सभाएं होगी और वो ग्राम सभाओं के माध्यम से रिजोल्यूशन पास करेंगे और उनको जो जो संभावनाएं लगती है विकास की उसके ऊपर वो काम करवा सकते हैं, शासन प्रशासन से फंड मांग सकते हैं, अप्रूवल मांग सकते हैं कि इस फंड की जरूरत है इस गाँव में, तो क्या ऐसा कभी आदिवासी सरपंच ने सोचा है और ऐसा कोई विकास के लिए परियोजना के माध्यम से सरकार से कभी पैसा ला पाया है इस क्षेत्र में? कितना समझ पाया है आदिवासी पेशा कानून को? पेशा कानून के बारे में तो यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर जी, कुछ नहीं होता यहाँ, जैसा ग्राम सभा भी लगाते हैं, ग्राम सभा में क्या होता है मतलब वो नहीं, पंचायत की ओर से ग्राम सभा लगाना एक अलग है, लेकिन आदिवासियों को पेशा कानून के तहत में अधिकार मिला हुआ है कि वो अपनी एक सभा बनाएंगे और आदिवासी गांव के लोग मिलके उसमें अध्यक्ष है, उनके जो सदस्य रहेंगे वो पेशा कानून के तहत में, और वो रिजोल्यूशन पास करेंगे, प्रस्ताव बनाएंगे कि इसी क्षेत्र में यहाँ संभव, जैसे शेड्यूल एरियाज में अगर ऐसी असंवैधानिक गतिविधियां कोई बाहर का व्यक्ति आके करता है, मान के चलिए हम देखते हैं कि ट्राइबल क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन को हड़पने की कोशिश होती है या मिनरल माइंस वाला इलाका रहता है, तो उस मिनरल माइंस में आकर बाहर का उद्योगपति अगर अपनी खदानें लगा देता है और आदिवासियों को कुछ नहीं मिलता, केवल वो लेबर बन के रह जाता है, तो उसके लिए कोई प्रयास आदिवासियों की ओर से कभी प्रयास किया गया, पेशा कानून को समझने का प्रयास किया गया? आप कितना समझते हो इसको? जी, पेशा कानून के बारे में तो क्या है मतलब
2007-08 में मैं सरपंच बन गया था जी। उसी समय मतलब उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय मतलब हमारा प्रशिक्षण हुआ था, मतलब जैसा सरपंच चुन के आए उसके बाद जनपद में हमारा प्रशिक्षण हुआ 5 दिन का एक पेशा कानून को लेके। तो उस समय मतलब वो समझ में आता, पर अभी तो उसका कुछ भी नहीं है पेशा कानून का। अच्छा, तो अभी पेशा कानून का क्रियान्वयन सरकार ही नहीं कर रही? हाँ, नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं है यहाँ। मतलब सरकार की ओर से पहल ही नहीं की गई? नहीं नहीं नहीं, मतलब जो अनुसूची है 5वीं अनुसूची उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे अभी तक नहीं हुआ है पेशा कानून का? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ें, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, जिला खनिज न्यास अधिकरण एक बना हुआ है, इसके तहत में प्रधानमंत्री की ओर से माना गया है कि इसमें जो भी पैसा आएगा खनिज अधिकरण में, खनिज अभिकरण जो न्यास है, इसमें जो भी पैसा आएगा उसका 60% पैसा ऐसे क्षेत्रों में खर्च करना है जहाँ पे बिजली नहीं, जहाँ पे सड़क नहीं, जहाँ पे पानी नहीं। तो ऐसे क्षेत्र तो ज्यादातर हमें आदिवासी क्षेत्र, तो उसके माध्यम से कभी आपने किसी गाँव को चिन्हांकित करके कोई पैसा दिलाने का प्रयास किया, उस गाँव का डेवलपमेंट करने का प्रयास किया? आवेदन तो मैंने किया जी, मतलब प्रस्ताव वगैरह सब कुछ देने के बाद मेरा काम ही स्वीकृत नहीं हुआ। काम स्वीकृत नहीं? नहीं नहीं। क्या कहाँ कौन कौन से गांव के लिए मैं बड़े काम दिया था मैंने, जैसा ये यही मतलब वो मुंडा से सीधा पितकोना मार्ग के लिए जाओ जी, पितकोना के लिए तो ये पुलिया उस समय टूटी हुई थी, बाकी ये मतलब दूसरे मत से स्वीकृत होके अभी बनना चालू है, बाकी इसके लिए दिया था मैंने। हाँ, बहुत पैसा मिलेगा कह रहे थे तो इसके लिए प्रस्ताव वगैरह भेजा दिया था जिला पंचायत। एक लास्ट सवाल, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं लेकिन ये जो क्षेत्र है, ये भी ये जो क्षेत्र है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ पर हमेशा कुछ ऐसे लोगों की सक्रियता हो जाती है जो लोकतंत्र को नहीं मानते, बंदूक के दम पर क्रांति लाना पाते। क्या आपको लगता है ऐसा संभव है इस युग में कि अब बंदूक के दम पर क्रांति आएगी, कि हमको लोकतांत्रिक मार्ग से ही काम करने की जरूरत है, संवैधानिक मार्ग को अख्तियार करने की जरूरत है? मैं तो मतलब लोकतांत्रिक मतलब संविधान के हिसाब से ही मतलब चलना चाहिए। और ऐसे जो लोग आते हैं जो बहकाने की कोशिश करते हैं आदिवासियों को, तो क्या आपको लगता है कि इनके बहकावे में समाज आ पाएगा या वो लोकतांत्रिक तरीके से ही अपनी लड़ाई लड़ेगा? नहीं, वो बहकावे में तो नहीं आ सकता। समाज क्या है, बहुत पहले की अपेक्षा बहुत जागरूक हो गई है समाज जी, उतना बहकावे में भी नहीं जाएगा वो, मतलब सही मार्ग सुनेगा ही, ऐसा बहकावे में ज़्यादा तो नहीं जाएगा इतना मेरा। तो आप सुन रहे थे ग्राम पंचायत दड़ेकसा के सरपंच चंदन सिंह उइके को, जिनका कहना है कि आज संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों की आदिवासियों को ही नहीं, इस देश के हर नागरिक को जरूरत है। जब तक हम संवैधानिक मार्ग से, लोकतांत्रिक मार्ग से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो लोग ये कहते हैं कि बंदूक के दम पर क्रांति लाएंगे, ये संभव नहीं है और ऐसे बहकावों में लोग नहीं जाएंगे। हमें केवल संवैधानिक और लोकतांत्रिक मार्ग से ऐसा रास्ता अख्तियार करना होगा जिससे शासन प्रशासन पर दबाव बने और आदिवासी क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो। तो आप सुन रहे थे चंदन सिंह उइके, जो कि दड़ेकसा के सरपंच है।